राधे कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू कुक विद अभिलाषा। यहाँ पर आपको वीडियो के साथ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स मिलती रहेंगी जिससे आप जो भी रेसिपी बनाएंगे आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स अगर आपको आगे भी चाहिए तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है जिससे जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। गर्मियों के दिनों में अगर ठंडी ठंडी पुदीना शिकंजी पीने को मिल जाए तो पूरा दिन बन जाता है। सुबह सुबह अगर ये शिकंजी पी लेना तो एक सेहत के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और एकदम तरोताज़ा हम महसूस करते हैं पूरा दिन। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। तो सबसे पहले तो ग्लास ले लेंगे और ग्लास में डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी, और जो पानी आप स्टार्टिंग में डालें वो थोड़ा सा नॉर्मल लें, ठंडा पानी ना लें, और थोड़ा ही पानी पहले ऐड करें ग्लास में। उसके बाद इसमें चीनी डाल दें। चीनी आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो डेढ़ डेढ़ चम्मच मैंने इसमें चीनी डाल दी है। चीनी की जगह आप देसी खांड का भी यूज़ कर सकते हैं तो और भी ज़्यादा हेल्दी बनेगी, लेकिन आज मेरे पास थी नहीं, फिनिश हो गई है घर में तो वो मैंने नहीं डाली है। अब इसको हम थोड़ा सा चला देंगे चीनी डालकर, तो ये चीनी अपने आप इसमें मेल्ट होना चालू हो जाएगी। जो हमने पानी नॉर्मल लिया है इस वजह से चीनी बहुत जल्दी इसमें मेल्ट हो जाएगी। अगर आप ठंडे पानी में मिलाएंगे तो मेल्ट होने में टाइम लगेगा। तो हमने थोड़ा थोड़ा दोनों ग्लास में चीनी डालकर चम्मच से चला दिया है। अब इसमें डालेंगे हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले अब हम इसमें डालेंगे काला नमक, जो शिकंजी की जान होता है। तो थोड़ा सा मैंने काला नमक डाल दिया है, 1/4 स्पून है ये काला नमक, तो मैंने दोनों उसमें ऐड कर दिया है ग्लास में। और आधा चम्मच मैंने जीरे का पाउडर डाला है, भुना जीरा। जीरे को भूनकर उसका पाउडर बना लीजिए, तो वो आधा आधा चम्मच जरूर डालिएगा। इससे जो शिकंजी का टेस्ट है एकदम नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ठेले वाले जीरे का पाउडर जरूर डालते हैं, तो जीरे का पाउडर भी हमने डाल दिया है इसमें। अब इसके बाद डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, तो 1/4 स्पून मैंने चाट मसाला भी डाल दिया है। और इसके बाद डालेंगे नींबू। तो सारी चीज़ें आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो नींबू हमने दोनों ग्लास में डाल दिया है, तो अब इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। तो पानी हमने नॉर्मल लिया था ना, इस वजह से ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगी, पानी में एकदम से खुल जाएंगी। तो स्टार्टिंग में इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ ठंडे पानी में आपको कुछ भी नहीं मिलाना है, पहले आपको थोड़ा सा नॉर्मल पानी लेना है, उसी में ये सारी चीज़ों को मिलाना है। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब, तो कुछ आइस क्यूब हम इसमें डाल देंगे दोनों ग्लास में, जितना भी आप ठंडा पीना चाहते हैं उस हिसाब से डाल दीजिए। और डाल दीजिए पानी इसमें, बस अब डालेंगे हम पानी, और ये शिकंजी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो अब लास्ट में डालेंगे इसमें फ्रेश पुदीने के पत्ते, तो एकदम फ्रेश पुदीने के पत्ते हैं वो भी हमने डाल दिए हैं, और इसे डालकर कर देंगे मिक्स। तो ठेला स्टाइल शिकंजी बनकर हमारी तैयार है, और आप इसे पी सकते हैं सुबह दोपहर शाम कभी भी बनाकर पी सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देती है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके।